हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम BSM की X9 जो LED बार है उसकी फाइल बनाने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस LED में दूसरों से अलग क्या है। ये आप देख सकते हैं, इसमें जब हम A001 सेलेक्ट करेंगे तो इसमें रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट, ये चार कलर जो यूजुअली हमारे पास में रहते हैं। आजकल ज़्यादातर RGB LED ही चल रही है जिसके अंदर रेड, ग्रीन और ब्लू कलर होते हैं। पहले जो LEDs आती थी 354 में, उसमें RGBW होती थी, यानी रेड, ग्रीन, ब्लू के साथ में वाइट रहता था। इसमें आप देख सकते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट, ये तो चारों हैं ही हमारे पास में। पांचवा अल्ट्रा वायलेट और छठा एम्बर, यानी इसमें टोटल 6 कलर होंगे हमारे पास में। और देखिए आप, अगर A001 एड्रेसिंग आप सेलेक्ट करते हो इसके अंदर, तो ये 8 चैनल पे काम करेगी, जिसमें 1 नंबर डिमर, 2 नंबर रेड, 3 नंबर ग्रीन, 4 नंबर ब्लू, 5 नंबर वाइट, 6 नंबर अल्ट्रा वायलेट और 7 नंबर एम्बर, 8 नंबर स्ट्रोब के लिए यूज़ होगा। ये BSM की LED पार है, मॉडल है इसका X9। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम शुरू करते हैं। देखते हैं पर्ल 1024B कंट्रोलर में इसकी फाइल हम कैसे बना सकते हैं। सेम प्रोसीजर रहेगा, जैसे हमने पहले वाली फाइल्स बनाई थी वैसे ही बनेगी। तो आप लोगों को इजी रहे इसलिए ये जो नई LED आई है इसके लिए एक वीडियो अलग से शूट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए, हमारे पास में यहाँ सेटअप बटन है, सेटअप बटन प्रेस करेंगे। डिस्प्ले में देखिए आप पर्सनैलिटी मैनेज, इसके लिए हम यहाँ से ये सॉफ्ट की डी प्रेस करेंगे। सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है एडिट पर्सनैलिटी, इसके लिए सॉफ्ट की ई प्रेस करेंगे। और सबसे ऊपर ऊपर आप देखिए क्रिएट पर्सनैलिटी, इसके लिए हम यहाँ से सॉफ्ट की ए प्रेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ नेम का ऑप्शन आ जाएगा। नाम लिखने के लिए आप ये जो व्हील वी है इसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। X9 हमने नाम लिख दिया है यहाँ पे, एंटर करेंगे फॉर नेक्स्ट पेज। टोटल चैनल, चैनल जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया था 8 चैनल है। A001 जब हम सेलेक्ट करेंगे तो ये 8 चैनल मोड में काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम 8 चैनल सेलेक्ट कर देते हैं, एंटर कर रहे हैं। पहला चैनल सेलेक्ट किया, ये डिमर के लिए है, तो इसमें हम यहाँ से डिमर सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद में कलर शुरू हो जाते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड वाइट। तो इसको हम जो ये कलर वाला एट्रीब्यूट है, ये आप देख सकते हैं, इसमें असाइन करेंगे। ये हो गया कलर 1, ये रेड के लिए है। नाम लिखना हो तो इसके लिए हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है आप कैसे नाम लिख सकते हैं। सेकेंड, इसको भी हम कलर के दूसरे में हम ले जाएंगे, फॉर बी कलर 2। ये हमारा रेड और ग्रीन यानी 2 कलर हो गए हैं, अब ब्लू एंड वाइट रह गए हैं। इसको हम जूम फोकस में डाल देते हैं, ये वाला जो एट्रीब्यूट इसके बाद में हमारे पास में खाली है, क्योंकि इस LED में हमारे पास जूम का फंक्शन तो है नहीं, तो इसके अंदर हम डाल रहे हैं। इसी के 5B में फोकस वाले में हमने दूसरा वाला डाल दिया कलर। तो ऐसे हमारे रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट ये 4 कलर असाइन हो गए हैं। अभी हमारे पास में 6, 7 और 8 रह गया। इसमें हमने अल्ट्रा वायलेट और एम्बर कलर डालना है और 8 नंबर पे स्ट्रोब। तो इसके बाद में आप देखिए LED में हमारे पास गोबोज वगैरह नहीं होते हैं, तो हम ये गोबो वाला जो एट्रीब्यूट है इसको यूज़ करेंगे। यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया, ये पहले ये सेलेक्ट करेंगे 6 नंबर चैनल के लिए, देन यहाँ ये सेलेक्ट करेंगे गोबो, ये 1 नंबर में हो गया। यहाँ हमारा अल्ट्रा वायलेट कलर है और 7 नंबर के लिए फिर से हम इसको सेलेक्ट करेंगे 6B। गोबोमन रोटेशन जो है इसके अंदर हमारा जो छठा कलर है जो एम्बर है वो आ जाएगा। और उसके बाद सबसे लास्ट में जो है
आठ नंबर चैनल, ये स्टॉप है आयरिस शटर वाला जो हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ये आप देख सकते हैं टू बी शटर हमने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद में एंटर प्रेस करेंगे, फिर से एंटर करेंगे और ये जो पर्सनालिटी है हमारे पास में स्टोर हो गई है। ये देखिए आप 14 नंबर पे जो है X9 ये हमें यहाँ शो कर रहा है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आपके कोई क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और एक बात और बता दूं, आजकल जो फ्रेंड्स स्टेन की मॉन्स्टर शार्पी लेकर के आए हैं, उस शार्पी में जो पुरानी वाली फाइल जो आप लोगों को सेंड की थी वो वाली काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसमें चैनल में थोड़ा सा चेंज है। तो आप यूज़र मैनुअल भेज दीजिएगा और आपको उस शार्पी के लिए नई फाइल भेज दी जाएगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सबका शुक्रिया। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।